हो रही है हल्की सी ड्रिजलिंग और जैसे देख सकते हैं आप भीड़ काफ़ी है चारों तरफ। आपको यहाँ पे भीड़ मिलेगी क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन सभी यहाँ पे करने आते हैं शॉपिंग मीटिंग और तरह तरह के ट्रेडिशनल क्लोथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गाना चल रहा है तो मेरे को कॉपीराइट का डर है जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो स्वागत है आप सब लोगों का इस नई वीडियो में और आज हमारे यहाँ टिक्का सेंटर लिटिल इंडिया में इसके फर्स्ट फ्लोर में है फूड स्टॉल जो कि काफ़ी फेमस है। उसके साथ ही साथ आप लोगों को ड्रिंक स्टॉल वेजिटेबल और सी फूड मार्केट मटन पोल्ट्री भी मिल जाएगी और सेकंड फ्लोर पे है क्लोथिंग। अगर आप ट्रेडिशनल वेडिंग या फिर किसी कार्निवल फेस्टिवल के लिए ट्रेडिशनल क्लोथ चाहते हैं तो सेकंड फ्लोर पे आपको मिल जाएगी। धीरे धीरे हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर और अगर नए हो तो कहीं मत जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आगे बहुत कुछ इस वीडियो में। जैसे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे लोग जा रहे हैं यहाँ पर है हमारा फूड स्टॉल मोस्टली और ऊपर सेकंड फ्लोर में है हमारे क्लोथिंग जहाँ पे हम अपने ट्रेडिशनल या नॉर्मल क्लोथ भी आप खरीद सकते हैं। तो दोनों को एक्सप्लोर करेंगे हम, बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर नॉर्मली लोग ड्रिंक्स के लिए आते हैं और इसके बिसाइड में यहाँ पर है फूड स्टॉल बहुत सारे हैं और एक एंट्रेंस भी है जहाँ की आपको एंट्री मिल जाएगी अभी। और नेक्स्ट रो एक्सप्लोर करते हैं। इस वाली रो या गली में मोस्टली आपको फूड स्टॉल मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी अपना लंच या डिनर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट रो पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या। तो ये हमारी सेंटर रो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओपन स्पेस है तो यहाँ पे बारिश लगी तो आप देख नहीं सकते और यहाँ पे मोस्टली फूड शॉप फूड स्टॉल आपको मिलेंगे देखने को। सो यू कैन एंजॉय लॉट ऑफ फूड विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड एंड पीपल जैसे कि बैठे हैं लोग। और इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट रो जो कि छोटी सी नैरो गली है लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ से हो जाती है वेजिटेबल या फ्रूट सेक्शन शुरू क्योंकि आप बाहर से ही देख सकते हैं अलॉट ऑफ फ्रूट्स हियर। तो भैया अभी हम घूम रहे हैं अंदर और यहाँ पे हमें मिलेंगे फ्रूट शॉप जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी आगे मटन चिकन की शॉप भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखिए मटन कट रहा है वहीं पर सब्ज़ी है। और अगर हम आगे मूव करें सॉरी जैसे मटन शॉप और यहीं बगल में है सब्जी मार्केट। तो आप यहाँ पे वेज और नॉन वेज हैं तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, वेज चाहते हैं नॉन वेज चाहते हैं। देखें यहाँ पे पूरा नॉन वेज है, यहाँ पे पूरा वेज सेक्शन है आगे तक। तो हम बाहर चलते हैं अभी, यहीं पे आगे फिश मार्केट भी है। सो आई होप कि आपने मैंने आपको अच्छे से दिखाया होगा। और फिर नेक्स्ट दिल्ली या फिर ऊपर चलते हैं ऊपर, मतलब ट्रेडिशनल क्लोथ या नॉर्मल क्लोथ जो भी आप ना बहुत सारी वेराइटी हैं यहीं से ऊपर जा सकते हैं लेकिन वहाँ से लेंगे जो इसका प्रॉपर गेट है। गाइस ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है जो कि मैंने आपको दिखाया है, एकदम 100% तो मैंने कवर नहीं किया लेकिन मोस्टली जो मेन शॉप इंडोर है वो मैंने कवर किए हैं। यहाँ पर वेजिटेबल मार्केट है और इसके बाद हम चलेंगे सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर की क्लोथिंग है मोस्टली। तो हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे कैसे क्लोथ ट्रेडिशनल नॉर्मल अपने जो हैं हमें देखने को मिलेंगे और प्राइस भी चेक करेंगे कि कितने प्राइस में आप ले सकते हैं, अफोर्डेबल हैं या एक्सपेंसिव हैं। आई होप कि अफोर्डेबल होंगे क्वाइट क्योंकि मैंने यहाँ से पहले भी शॉपिंग की है, एक बार अपनी मदर और एक बार अपनी वाइफ के साथ आया था मैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिले हमें अफोर्डेबल प्राइस में। क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो उतनी क्वालिटी मतलब नहीं मिली लेकिन ठीक थी, और जगह से अच्छा यहाँ पर आपको सामान मिलेगा सिंगापुर। तो दोस्तों ये टिक्का का सेकंड फ्लोर जहाँ पर कि मोस्टली क्लोथिंग आपको मिलेगी। तो हम चलते हैं अभी एक्सप्लोर करने सेकंड फ्लोर को। देखिए कुछ लोग आ भी रहे नीचे शॉपिंग करके और अकेले हम जा रहे हैं, तो चलो सीधे ऊपर मिलता हूँ। राइट नाउ वी आर द सेकंड फ्लोर वेयर यू कैन फाइंड द ट्रेडिशनल क्लोथ और शॉप विंडो आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल या कॉमन कपड़े भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो चलो काफ़ी बड़ा मार्केट है ये, इसे भी घूमते हैं थोड़ा। आप देखते हैं तरह तरह के ट्रेडिशनल क्लोथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर गाना चल रहा है तो मेरे को कॉपीराइट का डर है जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। प्राइस भी आप देख सकते हैं, प्राइस भी इनमें स्टेटर है विजिबल है, सो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि एक्चुअली रूम टेम्परेचर आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन नॉइज़ बहुत है यहाँ पर साउंड का, इस वजह से मैं आपको वॉइस ओवर नहीं दे पाऊँगा, आप देखते रहो बस। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ क्लोथ्स, सो आपके पास चॉइसेस हैं विच वन यू वांट टू बाय
एक्सपेंसिव वही वन बहुत चिप वही वन और मॉडरेट वन सो यू कैन चूज दोस्तों जब मैं देहरादून में था तो वहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे कपड़े ही कपड़े मिलते हैं दूल्हा मार्केट तो मैं मस्त हूँ क्या मस्त है कि ये दुल्हन मार्केट है यहाँ पे लेडीज़ लोगों के मतलब जो आपके क्या कहते हैं उसे फॉरगेट जो भी कहते हैं लेकिन बहुत सारी चॉइसेस हैं यहाँ पर आपको कुर्ते मिल जाएंगे तरह तरह के और जो शादियों में पहनते हैं स्पेशली मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा लेकिन जो भी कहते हैं ना भाई साहब बहुत मस्त है यहाँ पर बहुत रिजनेबल प्राइस में अगर आप शॉपिंग करना चाहते थे वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ पर मैं नाम भूल गया था अभी मेरे को नाम याद है शायद ये है लहंगे तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ लहंगे चॉइसेस ऑफ लहंगे आपको तरह तरह के मिल जाएंगे तो जो आपकी चॉइस है जो आपको पसंद है ना वो आप ले सकते हैं भाई मेरे को इतना पता नहीं है लेडीज़ शॉपिंग के बारे में क्योंकि मैं ज़्यादा रहा नहीं हूँ मतलब गया नहीं ज़्यादा लेडीज़ की शॉपिंग करने अपनी वाइफ के साथ या जो भी सिस्टर्स हैं तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं क्या आपको पसंद है तो दोस्तों दिस प्लेस फुल शॉपिंग फॉर लेडीज़ और अभी हम सेकेंड फ्लोर से जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में हम नीचे थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे क्या क्या है देखने को तो बने रहिए जाएगा आई मॉट अलॉट टू सी मॉट टू कम सो गाइस यहाँ पे हो रही है हल्की सी ड्रिजलिंग और जैसे देख सकते हैं आप भीड़ काफ़ी है चारों तरफ आपको यहाँ पे भीड़ मिलेगी क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन सभी यहाँ पे करने आते हैं शॉपिंग मीटिंग व्हाटएवर दे वांट गाइस ये नियरेस्ट बस स्टैंड है बस स्टॉप है ठीक है सेंटर का अगर आप आना चाहते हैं तो ये बस स्टॉप है ये दूसरी साइड से मैं ले रहा हूँ ये फर्स्ट फ्लोर ये सेकेंड फ्लोर इस बिल्डिंग की वीडियोज़ सो क्वाइट कनेक्टेड है वेल कनेक्टेड है MRT से भी आ सकते हैं आप बस से भी आ सकते हैं और भाई भीड़ है और मैं ज़्यादा चलना नहीं चाहता क्योंकि ड्रिलिंग में कहीं मेरा कैमरा ख़राब ना हो जाए अभी मैंने नया ख़रीदा ये तो अभी मैंने रिकवर भी नहीं किया इसकी कॉस्टिंग दोस्तों यही नज़दीक ये टेम्पल है और जो कि काफ़ी फेमस और मेरी इच्छा था कि मैं दर्शन करने आऊँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है बंद सो अभी हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेम्पल क्लोज है किसी और दिन जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा होगी उस दिन आएंगे फिर चलो फिर दूसरी जगह लेके चलते हैं आपको बारिश अभी भी मैं यहाँ से गुजर ही रहा था कि मेरे को दिखी ये स्ट्रीट आर्ट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और इस तरह का कुछ स्ट्रीट कुछ स्ट्रीट आर्ट है सो आई लव द स्ट्रीट आर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है अभी मैं स्ट्रीट आर्ट की गलियों से गुजर रहा हूँ एक्सप्लोर करते करते मैं पहुँच चुका हूँ इधर और लेके चलता हूँ आपको दूसरी लोकेशन में जल्दी से जल्दी जिससे पहले कि बारिश लगे बारिश होने से पहले हमको किसी सेफ स्पॉट अपने लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा आई गेस कि हमें टेका वापस जाना पड़ेगा वहाँ पे बहुत कुछ है खा भी लेंगे पी भी लेंगे और फिर वहीं से हम घर भी निकल लेंगे है ना क्योंकि भाई बारिश बहुत लग रही है इससे पहले कि और ज़्यादा है निकलते हैं सेफ पे काफ़ी सारी रोमिंग करने के बाद हम पहुँच चुके हैं सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मंदिर है ये 3-4 स्टोरी का और कोशिश करते हैं इसके अंदर भगवान के दर्शन करने की अगर वीडियो अलाउड होगी तो देखते हैं कितना कर सकते हैं गाइस सामने जो आपको दिख रहा है ना इस तरफ ये है बियर गार्डन इसका ओरिजिनल नाम मेरे को पता नहीं है लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि ये बियर गार्डन क्योंकि यहाँ पे बियर ड्रिंक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं पीने को तो दे कॉल इट बियर गार्डन और भाई अभी हमने भगवान के दर्शन कर लिए मंदिर से हम होके आ गए हैं काफ़ी शांति मिलती है तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ तब तक के लिए टेक केयर